बचपन से सुनते आए, दादी को बोल, हम मम्मी से पापा से पूछें, मम्मी क्यों नहीं बोलती है? बोलती है कि राम लला का मंदिर बनेगा तभी दादी का मन खुलेगा। इसमें आज बहुत बड़ा सौभाग्य का बात है, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जो आज ये किए, सबसे खुशी का बात यही हो सकता है। सराहनीय है। रामलल्ला का मंदिर बनेगा तभी दादी का मौन खुलेगा। इस पोते को उस दिन का इंतजार है जब भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, तो दादी का मौन व्रत टूट जाएगा। राम भक्त धनबाद की इस वृद्धा ने अपने जीवन के 30 साल बिना बोले ही गुजार दिए इस इंतजार में कि राम मंदिर बनेगा, और वो बोलकर अपनी खुशी का इजहार करेंगी। ये वाला काम है। आज दादी से मैं सुबह जब गया मंदिर तो बोला, दादी अब तो राम मंदिर बन रहा है, आवाज अपना सुनाओ। तो दादी इशारा से बोली, जब तक मैं रामलला का मंदिर अपने आंखों से नहीं देखती, तब तक मैं अपना मौन व्रत नहीं तोड़ूंगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में राम मंदिर निर्माण की नींव रखी गई, तो 30 साल से मौन व्रत कर रही सरस्वती देवी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बिना बोले ही उन्होंने अपनी खुशी का इजहार कर दिया। इनका बहुत बड़ा खुशी है, इनका जो कहना है ये प्रकट नहीं कर पा रही, इतना खुशी है। कैसा महसूस कर रहे हैं? अयोध्या में राम मंदिर के लिए आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूमि पूजन की खबर सुनते ही धनबाद की रहने वाली सरस्वती देवी का चेहरा खिल उठा। इस खुशी में उनका तब भी शामिल है। धनबाद जिले के भोरा के स्वर्ण लाल अग्रवाल की पत्नी सरस्वती देवी ने 3 दशक पहले प्रण लिया था कि जब तक अयोध्या में राम मंदिर निर्माण नहीं हो जाता, तब तक वो मौन व्रत धारण करेंगी। इस दौरान वह अपने व्रत को लेकर प्रतिबद्ध रही और परिवार के सदस्य उसकी आवाज सुनने के लिए लालायित हैं। हमारी मम्मी 30 साल पहले मौन शुरू करी थी, तो हम लोगों ने पूछा क्या क्यों क्या बात है माँ, तो बोले नहीं, जब तक राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण नहीं होता तब तक मैं मौन रहूंगी। ये नीति गोपाल दास जी के पास बराबर जाती थी, जो हमारे श्री नीति गोपाल दास जी राम जन्मभूमि के अध्यक्ष हैं, तो उनकी प्रेरणा से, उनके संगति से इनकी इच्छा प्रकट हुई। उसके बाद ये जाके चित्रकूट में 7.5 महीना कल्पवास में भी रही, और ये आज 30 सालों से हम लोगों के यहाँ 1-2 महीना ही रहती होगी, बाकी बराबर तीर्थ स्थान में ही रहती है। कभी अयोध्या, कभी बनारस, कभी और कहीं, कभी चारों धाम, मतलब उनका भ्रमण ही उद्देश्य है। और अब इनका कहना है कि हम लोगों ने जैसे कहा आज कि भाई ठीक है मौन तुम तो रहता, इच्छा पूरा हो गया आपका तो मौन तोड़ दीजिए, तो बोल रहे हैं नहीं, जब मंदिर जो है निर्माण पूर्ण रूप से हो जाए और मैं मंदिर के अंदर जाके वही मौन तोड़ूंगी। अब मौन व्रत करने वाली वृद्धा और उसके परिवार को उस दिन का इंतजार है जब भव्य राम मंदिर बन जाएगा और वो अयोध्या जाकर अपना मौन व्रत तोड़ेंगी। धनबाद से सिथुन मोदक की रिपोर्ट, बिहार तक।